पेट्रोलियम की मकामी कंपनी की डहरकी में कायम कुएं गाजीज 2 से भी गैस दरियाफ्त हो गई है। सुई नॉर्दर्न को योमिया 8 MMCFD गैस फराहम की जा रही है। वजीर तजारत गौहर एजाज का कहना है कि गैस फराहमी से मुल्की बरामदाद में 3 अरब डॉलर इजाफे की तवक्को है। तेल और गैस के शोबे से अच्छी खबर सामने आई है। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के मुताबिक सिंध के इलाके डहरकी में गैस की पैदावार के लिए एक्सटेंडेड वेल टेस्टिंग का आगाज किया गया है। गाजी 2 से सुई नॉर्दर्न को योमिया 8 MCFD गैस फराहम की जा रही है। माड़ी पेट्रोलियम से गैस की फराहमी से तवानाई की तलब को पूरा करने में मदद मिलेगी। मौसम सरमा में गैस की तलब और असद का फर्क कम होगा, जर मुबादला की भी बचत होगी। गुज़िश्ता माह सिंध में गाजी 1 कुएं से 111 MMCFD गैस दरियाफ्त की गयी थी। माड़ी पेट्रोलियम की जानिब से तेल और गैस की तलाश के लिए 1016 मीटर गहरा कुआं खोदा गया था। दूसरी जानिब निगरा वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वफाकी काबीना ने बरामदी शोबे के लिए गैस सप्लाई का मसला हल कर दिया। गैस फरामी से मुल्की बरामदाद में 3 अरब डॉलर इजाफे की तवक्को है। वजीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का कहना था कि स्कीम के तहत नई सनअतों को भी गैस फराहम की जाएगी। टैरिफ स्कीम के तहत 2 साल से नई सनअतों को गैस की फरहमी रुकी हुई थी। हुकूमती फैसले से बरामदी शोबे की पैदावारी सलाहियत 100% तक हो जाएगी। महंगाई की